गाइस हाउ आर यू, हम लेके आ गए आपका सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट क्लास, दैट इज आई थिंक योर फोर्थ क्लास ऑफ सॉलिड स्टेट। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी, लास्ट की तीन क्लासेस, तो प्लीज जाके उन क्लासेस को देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर वो आपने नहीं पढ़ी है तो ये क्लास आपको समझने तो वैसे आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं से भी आप देखना स्टार्ट करोगे तो समझने तो आपकी 100% आ जाएगी। लेकिन अगर आप पहले से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, तो प्लीज जाके पहले वाली वीडियो देख लेना, फिर आप यहाँ पे आना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोजिशंस एंड नंबर ऑफ वर्ड, पोजिशंस एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और ये जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम इन्हें देखने वाले हैं एफसीसी में, क्योंकि आपको पता है जनरली ये तीनों शेप्स आपकी एफसीसी और एफसीसी भी आपकी इक्वल होती है, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर तो तीनों का इक्वल होता है, इसलिए हम ओनली एफसीसी में ऑब्जर्व करते हैं। ओनली किस में ऑब्जर्व करते हैं, एफसीसी में हम ऑब्जर्व करते हैं कि आपके वर्ड्स कहाँ पे होते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड की। किसकी बात करता हूँ, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करता हूँ। इनकी पोजीशन देखूंगा और इनके नंबर ऑफ वॉइड देखूंगा कि कहाँ कहाँ पे परसेंट है, वो मैं देखने वाला हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर हम जब फिर देखेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक सेल बनाऊं ठीक है ना, एक मैं एफसीसी सेल की बात करूं, कुछ अच्छे से बनानी तो सेल को एक बार आप अच्छे से बनाओ तभी तो आपको समझ आएगा अच्छे से। उसके लिए मैं पर इसे थोड़ा सा एफसीसी में क्या होता है, एक एक तो कॉर्नर पे होगा, तो आप सारे आठ रुपए आपको कॉर्नर पे रखो, ठीक ना। और एक एक कहाँ होगा, हर फेस के सेंटर में, हर फेस के सेंटर में होगा, इसे भी आप बना लो एक बार, हर फेस के सेंटर में होगा। तो आपको अब हर फेस का सेंटर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, जैसे कि इस फेस का सेंटर है, ये इस फेस का सेंटर है, इस फेस का सेंटर है, फेस का सेंटर, इस वाले फेस का सेंटर, ठीक है ना। तो हर फेस पे एक रखा है, कोडेक्ट, ओके। अब अगर मैं क्या करूं, इनके फेसेस को आपस में मिला लूं, थोड़ा सा समझने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, समझने के लिए, जैसे कि जिससे कि मुझे वर्ड के बारे में पता लगे, मैं क्या करता हूं, इन्हें आपस में मिला, ओके। अब ध्यान से देखो, अब अगर आप देख रहे होगे तो इस सेल को मैंने जनरली क्या किया, एट पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस सेल को मैंने क्या किया, एट पार्ट में। आप देख रहे होगे ये जो पूरी सेल है ये डिवाइडेड एट पार्ट में, एक छोटा सा यूनिट सेल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, उधर एक, उधर एक, ऊपर इधर, इधर, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 एट यूनिट सेल मैंने इसमें बना दिए, ठीक है ना, यानी कि इस एक यूनिट सेल को मैंने एट पार्ट में डिवाइड कर दिया, समझ आ रहा है, एट पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको पोजीशन दिखाने जा रहा हूं, किसकी, टेट्राहेड्रल वॉइड की। किसकी पोजीशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, टेट्राहेड्रल वॉइड की, कहां पे होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर मैं एक एक पोजीशन को लूं, किसी भी एक वाले एक बॉक्स को लूं सब में से, तो आप देख रहे होंगे उस एक बॉक्स में चार बिंदु, चार पॉइंट्स है, चार पॉइंट्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4 ये फोर पार्टिकल एक ही एक बॉक्स में, हर एक बॉक्स में, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे फोर बॉक्स, हर एक बॉक्स में चार चार पार्टिकल है, और वे चार चार पार्टिकल कैसे हैं, अल्टरनेट है, ठीक है ना। देखो इस कॉर्नर पे इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे
इस पे नहीं, इस पे, ठीक है ना, हर अल्टरनेट कोने पे। तो अगर आप उन्हें चारों को मिला दो, चारों को आप आपस में मिला दो, कैसे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो नहीं है ना, चारों को आप आपस में मिला दो, मैं आपको चीज दिखाने जा रहा हूं बस। तो यहां पे अगर आप अच्छे से देख लोगे तो ये क्या बन गया, एक टेट्राहेड्रल बन गया, यानी कि जो ये बीच में खाली जगह है ना इन पार्टिकल के, चारों पार्टिकल के बीच में, वो कैसी है, टेट्राहेड्रल शेप की है। कैसी शेप की है, टेट्राहेड्रल शेप की है। तो कैसी शेप की है, टेट्राहेड्रल शेप की है। जैसे कि आप यहां पे देख लो, अगर मैं इन चारों को मिला दूं, ठीक है ना, तो एक टेट्राहेड्रल बन गया, ऐसे एक टेट्राहेड्रल इसके उधर बनेगा, इसके उधर, एक इधर, एक उधर, एक उधर, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वोल्ट बन गए। तो कितने टेट्राहेड्रल वोल्ट बन गए, 8 टेट्राहेड्रल वोल्ट बन गए, कितने टेट्राहेड्रल, 8। और ये क्या है, एब्सिसी स्ट्रक्चर है, मींस आपका एक्सिसी स्ट्रक्चर में कितने टेट्राहेड्रल वोल्ट है, 8 टेट्राहेड्रल वोल्ट होते हैं, एक एब्सिसी स्ट्रक्चर में 8 टेट्राहेड्रल वोल्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से 8 टेट्राहेड्रल वोल्ट होते हैं, कितने टेट्राहेड्रल वोल्ट होते हैं एब्सिसी में, 8 टेट्राहेड्रल वोल्ट होते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और जो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड होता है वो कहां पे होता है, अगर मैं इसे एक सिंपल वे में समझना चाहूं तो ध्यान से देखो, मैं एक एफसीसी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं अलग से, तो ये आपका एफसीसी है आपके पास, ये आपके पास एक एफसीसी स्ट्रक्चर है यहां पे होगा। चलो मैं फेस वालों को अलग कलर से बना लेता हूँ थोड़ा, ये आपके फेस वाले हैं, ये आपका एब्सिसी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अगर आप इस एब्सिसी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि टेट्राहेड्रल वर्ल्ड होते का है, तो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड होते हैं हर डायगनल के, बॉडी डायगनल के, मैं बात कर रहा हूँ बॉडी डायगनल की। तो अगर मैं इस बॉडी डायगनल की बात करूं तो जो आपके बॉडी डायगनल होते हैं ना, जो आपके क्या होते हैं बॉडी डायगनल होते हैं, सॉरी मैं इन बॉडी डायगनल को बना देता हूं, जो बॉडी डायगनल होते हैं उन बॉडी डायगनल के दोनों साइड से 1/4 पे, देखो जी इसका 1/4 का है यहाँ पे, इसका 1/4 का है यहाँ पे, इधर से 1/4 का है यहाँ पे, आप ऐसा कर सकते हो, इधर से 1/4, इधर से 3/4, या इधर से 1/4 ये रहा, इधर से 3/4 ये रहा, ऐसे इस डायगनल के 1/4 3/4, ऐसे इस डायगनल के 1/4 3/4, ठीक है ना। तो टोटल 8 होते हैं, देखो एक बॉडी डायगनल पे दो, एक बॉडी डायगनल पे आपके दो टेट्राहेड्रल वर्ल्ड बन गए, तो टोटल बॉडी डायगनल कितने हैं, 4 है, तो टोटल बॉडी, टोटल जो आपके टेट्राहेड्रल वर्ल्ड होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे, समझ में आया, 8 होंगे। और इसे आप और अच्छे से समझोगे डीसीसी से, किसमें समझोगे, डीसीसी स्ट्रक्चर में, जब आप डीसीसी पढ़ोगे, ठीक है ना, डायमंड सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, डायमंड सेंटर में आप अच्छे से समझोगे। यहाँ तक समझ में आया क्या होता है टेट्राहेड्रल वर्ल्ड, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, 1/4 और 3/4 पोजीशन पे डायगनल की, एक जो आपका बॉडी डायगनल होता है उसकी 1/4 और 3/4 पोजीशन पे, ठीक है ना, ऐसे मैंने आपको दिखा दिया बना के। तो इसमें जो एफसीसी होता है, इसमें जेड इज इक्वल टू कितना था, 4, जेड इज इक्वल टू 4 होता है ना, और टेट्राहेड्रल वर्ल्ड कितना है, 8, मीन्स टेट्राहेड्रल वर्ल्ड आपके जस्ट 2 टाइम्स होते हैं जेड के, समझ में आया, कोई दिक्कत, ओके, नहीं है तो बहुत अच्छा है। इससे बाद में हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, क्या स्टार्ट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड। अब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड की पोजीशन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, ऑक्टाहेड्रल की पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड की पोजीशन देख लेते हैं। तो चलो फिर से हम उसके लिए एफसीसी बना लेते हैं, ध्यान से देखो जी, ये मैंने क्या बना दिया, इसके लिए एक एफसीसी बना दिया, ओके। अब ये आपका है, सॉरी अभी तो एफसीसी नहीं बना, एफसीसी बनेगा जब आप इसे कंप्लीट करोगे, एक एक तो आपका कॉर्नर पे होगा,
ठीक है ना, एक एक तो आपका कॉर्नर पे होगा और एक एक होगा आपका फेस पे। मैं फेस पे बना देता हूँ अलग कलर से, ठीक है ना। ये तो ये होगा आपका फेस सेंटर, ओके। अब इस फेस सेंटर पे मैं बात करूं कि कहां कहां पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जगह प्रेजेंट होते हैं, एक तो बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में, और एक प्रेजेंट होते हैं आपके एज के सेंटर में, एज के सेंटर में। तो चलो मैं दोनों को देख लेता हूँ। पहले मैं एज सेंटर की बात करता हूँ, या पहले मैं बॉडी सेंटर की बात कर लेता हूँ। फिर देखो बॉडी के सेंटर में मैं जाता हूँ, बॉडी के सेंटर में मैं जाता हूँ, और बॉडी के सेंटर से मैं सभी पॉइंट्स को मिलाता हूँ जितने भी फेस सेंटर, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप इसे देख रहे होगे तो ये शेप बन गया एक ऑक्टाहेड्रल के जैसे, ऐसे शेप बन गया ये, ऐसे ऐसे शेप बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया जनरली, एक ऑक्टाहेड्रल। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में, एक आपका बिल्कुल मध्यम में आपका एक बॉडी सेंटर होता है, समझ में आया। सॉरी, आपका एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, एक वॉइड होता है। दूसरा वॉइड की मैं बात करूं तो दूसरा वॉइड कहां पे होता है, दूसरा वॉइड प्रेजेंट होता है आपका एज पे। अब मैं एज वाले वॉइड की बात कर लेता हूं, जैसे कि मेरा ये एक एज है, इस एज से मैं देखूं तो ये वाला यहां ये और इधर जो बॉडी, इधर जो आपका दूसरा इधर सेल होगा उसके बॉडी सेंटर का, ठीक है ना, और ऊपर जाओगे वहां का बॉडी सेंटर। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 6, और एक हेक्सागन बन गया, यानी कि एक होता है यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखो जी, एक तो बॉडी के सेंटर में होता है, आपको पता है बॉडी के सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, एक तो वो आ गया, और दूसरा हर एक डायगनल पे टोटल डायगनल होते हैं 12, और एक डायगनल का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, यानी कि यहां से आ गया 3। तो 3+1 यानी कि आपके पास टोटल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड है 4, और आपको पता है एफसीसी का जेड भी कितना होता है 4। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो जेड के इक्वल होता है, ठीक है ना। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो जेड के 2 times होता है, यानी कि आप कह सकते हो T20 से आप याद रख सकते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड 2 times होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, टेट्राहेड्रल वॉइड 2 times होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। समझ में पोजिशन समझ में आई टेट्राहेड्रल वॉइड की और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, कोई दिक्कत यहाँ, दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए आपको। क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस भी करेंगे अभी हम। चलो जी, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, करोड़ों की बात बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए, ठीक है ना, सबके लिए। क्लास नंबर फोर चल रही है, ठीक है ना, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये तो फिजिक्स वालों के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हमें क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, हमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक कंपाउंड है जो 2 elements से बना है। आपके नोट्स में क्वेश्चन है जी, जो नोट्स में यहाँ पे अपलोड करूंगा उनमें क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन वहीं से देख लेना। इसमें क्या है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 components, एक कंपाउंड 2 components से मिलकर बना है, एक्स और वाई से मिलकर बना है, एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना, वाई एज एनायंस, जो वाई है यहाँ पे वो क्या है, एनायन है, और जो मेक्स सीसीपी, ये क्या बनाता है आपका, सीसीपी स्ट्रक्चर बनाता है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट्स ऑन एक्स, एक्स क्या है आपका कैटायन दिया है इसने, एक्स क्या है कैटायन है, और ये ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन तो जी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कह रहा है, या क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स और वाई से मिलकर बना है, वाई वहां पे एनायन है, एक्स वहां पे कैटायन है, और एक्स आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में मिलता है और वाई आपका सीसीपी में मिलता है। तो आपको क्या बताना है, फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का। तो ध्यान से देखो, मैं पहले अगर एक्स की बात करूं तो x कहां पे प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, x कहां पे प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और y कहां पे प्रेजेंट है, सीसीपी में। मींस स्ट्रक्चर क्या है सीसीपी, तो पहले आप स्ट्रक्चर को उठा लो। तो y कहां पे प्रेजेंट है, सीसीपी में, मींस y अगर सीसीपी में प्रेजेंट है तो सीसीपी का z कितना होता है, सीसीपी का z होता है 4,
तो वाई के आपके फोर होगा कंट्रीब्यूशन, वाई का कंट्रीब्यूशन कितना होगा फोर होगा, और एक्स आपका है ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में, कहां पे ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड में, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड कितने कितने होते हैं, जितना जेड होता है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड भी चार होगा, मीन्स एक्स का कंट्रीब्यूशन भी चार होगा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा एक्स फोर वाई फोर, या आप कह सकते हो एक्स वाई, अगर सिंपल रेशियो देखो तो एक्स वाई इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हाट इट ना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है ना, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCl, किसने कहा जो बी एटम है किसी एलिमेंट में जो बी एटम है वो बनाता है HCl, लेट इट एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए, जो आपका एलिमेंट ए है उसकी जो एटम है ऑक्यूपाई, ये ऑक्यूपाई करता है टू बाई थर्ड, टू बाई थर्ड ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड का टू बाई थर्ड पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बाय द एलिमेंट ए बी, मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जो आपका एक कंपाउंड है उसमें ए और बी दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, बी तो आपका एचसीपी स्ट्रक्चर बनाता है और ए टू बाई थर्ड पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला क्या होगा ध्यान से देखो, बी अगर एचसीपी बनाता है तो एचसीपी का जेड इक्वल टू होता है फोर, मींस बी का कंट्रीब्यूशन होगा फोर, ओके अगर बी का कंट्रीब्यूशन फोर है तो टेट्राहेड्रल कितने प्रेजेंट होंगे, एट प्रेजेंट होंगे, और इसने कहा जो ए है वो टेट्राहेड्रल के टू बाई थर्ड पार्ट में है, ए टेट्राहेड्रल के टू बाई थर्ड पार्ट में, टेट्राहेड्रल है आठ और टू बाई थर्ड पार्ट में ए, तो आप ऐसे लिख सकते हो तो दिस इज 16 बाय 3, तो ए का कंट्रीब्यूशन है 16 बाय 3, ए का कंट्रीब्यूशन होगा 16 बाय 3, बी का कंट्रीब्यूशन होगा 4, आप क्या कर सकते हो इससे सिंपल रेशो में, यानी कि आपको होल रेशो में हमेशा फॉर्मूला लिखना है, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये होगा बी 48 सॉरी बी 16, अरे ए 16 ना, ए 16 जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी 12, और आप जब इसे 4 से कट कर सकते हो, इसे अभी आप 4 से कट कर सकते हो, तो अगर ए 4 4 जाए 16, बी 4 3 जाए 12, तो फॉर्मूला आ गया ए 4 बी 3, फॉर्मूला इज ए 4 बी 3, फॉर्मूला इज ए 4 बी 3, गॉट इट, कर लोगे ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल है ठीक है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ अपने पास, एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं ठीक है ना, अगर वो क्वेश्चंस आपने कर लिए तो बस आपको समझ में आ रहा है अच्छे से ठीक है ना, क्वेश्चन देख लो, दो क्वेश्चन मैं कहता हूँ, एक कंपाउंड है वो ए बी सी डी से मिलकर बनाए, इन चार एलिमेंट से मिलकर बनाए, ए कहाँ पे है, ए ईच कॉर्नर पे है, ईच कॉर्नर पे है, बी कहाँ है, ये अल्टरनेटिंग फेस पे है, अल्टरनेटिंग फेस पे है, ओके सी कहाँ पे है जी, सी कहाँ पे है, सी है जी आपका बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में, और या सी को कह लो, सी कहाँ पे है, बॉडी सेंटर में, तो सी कह लो, सी है टू बाई थर्ड पार्ट ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और डी कहाँ पे है, डी है वन बाई फोर्थ पार्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो आपको इसका क्या बताना है, इस फॉर्मूला बताना है, तो देखो ए कहाँ पे है आपका, ईच कॉर्नर पे, ए प्रत्येक कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर कितने होते हैं आठ, सॉरी कॉर्नर का कितने होते हैं आठ, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1 बाई 8, यानी कि ए का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी की बात करूं तो बी कहां पे है, अल्टरनेटिव फेस पे, टोटल फेस कितना होता है 6, अल्टरनेटिव फेस पे आएगा, अल्टरनेटिव फेस पे ध्यान से देखो, अल्टरनेटिव फेस पे आएगा, अल्टरनेटिव फेस पे, इस फेस पे आ गया, उधर वाले पे नहीं आएगा, इधर वाले पे नहीं आएगा ठीक है, इस पे आ जाएगा, फिर इस पे नहीं आएगा, इस पे आ गया तो नीचे वाले पे जाएगा, बस इन दो पे रहेगा ठीक है ना, दो पे आएगा तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक का हाफ होता है दो है तो बनाएगा कंट्रीब्यूशन बी का भी, सी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, टू बाई थर्ड ऑफ ऑक्टाइडल, टू बाई थर्ड ऑक्टाइडल कितना होगा, लेट्स से ये एफसीसी से तो उसे देना पड़ेगा क्या है, उसने क्या देखिए ये एफसीसी है, एफसीसी है तो टोटल टेट्राहेड्रल कितने होते हैं 8, 8 का 2 बाई 3
मीन्स ये हो जाएगा 16/3 और डी का हो जाएगा 1/4 ऑफ ऑफ टाइटल वो चार ही होंगे, चार चार कर फिर वन, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आ गया ए बी सी 16/3 और डी वन, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे ए 3 बी 3 सी 16 डी 3, ये फॉर्मूला आ जाएगा सिंपल सा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे कर लेना है, कर लोगे ठीक है ना, तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको कहा था एक इम्पोर्टेंट चीज कि हम डीसीसी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डीसीसी डायमंड सेंटर डायमंड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो जी जो 12th वगैरह वाले हैं ठीक है ना, बीएससी वाले उनके लिए नहीं है जी, उनके लिए नहीं है ये, नेट और गेट वालों के लिए है ठीक है ना, ये नेट और गेट वालों के लिए है, तो बस ये उन्हें पढ़ना है। तो एक बार मैं बता देता हूँ क्या होता है डायमंड यूनिट सेल, ठीक है ना, हम इसे डीसीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, डीसीसी डायमंड क्यूबिक सेल। ध्यान से देख लो, डायमंड क्यूबिक सेल में क्या होता है, जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं, जो आपके लैटिस पॉइंट होते हैं वो ईच कॉर्नर पे होते हैं, प्लस ईच फेस सेंटर पे होते हैं, प्लस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होते हैं। तो अगर मैं इसका शेप बनाऊं, तो शेप कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना जी कैसे शेप बनेगा। तो हर कॉर्नर पे होगा, ठीक है ना, हर फेस पे होगा, मैं फेस वाला अलग कलर से दिखा देता हूँ, हर फेस पे होगा, हर फेस पे होगा, ठीक है ना, और हर कॉर्नर पे हो गया, हर फेस पे हो गया, और आपका अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड आपके कहाँ पे होंगे, अल्टरनेट, एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपका यहाँ पे होगा, मीन्स ये वाला टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना, ये वाला हो गया, इसका अल्टरनेट ये हो गया, तो ये हो गया, आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हो, यहाँ हो गया अल्टरनेट पे। अगर इन वालों पे हो गया तो इधर इन दो वालों पे हो जाएगा, ठीक है ना, ये दो टेट्राहेड्रल वॉइड मींस अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया, अब अगर बात करोगे आप टोटल कंट्रीब्यूशन की, टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करोगे यानी कि आप जेड की बात करोगे, तो देखो वन तो आ गया कॉर्नर से, 1/8 × 8 कॉर्नर से आ गया, ठीक है ना, और फेस से आगे 3, ठीक है, और आप देख रहे हो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है तो कम्प्लीटली इसके ही है, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से आ गए, तो टोटल कितना आ गया 4 × 3 = 7 और 1/8 मीन्स जेड जो होता है डीसीसी का वो होता है 8, डीसीसी का जेड कितना होता है 8 होता है, डीसीसी का जेड कितना होता है 8 होता है। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, इससे नेक्स्ट क्लास में हम इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, इससे नेक्स्ट क्लास में हम स्पाइनल्स पढ़ेंगे, स्पाइनल्स में हम इनवर्स स्पाइनल पढ़ेंगे, नॉर्मल स्पाइनल पढ़ेंगे, और उनमें कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जैसे कि स्पाइनल आपको पता है हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वो आपका सॉलिड स्टेट का फिनोमेना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे हम स्पाइनल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये कोऑर्डिनेशन के लिए भी आप काफी इंपॉर्टेंट फील होगा, तो स्पाइनल देखेंगे, स्पाइनल से बाद में हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे, फिर डेंसिटी देखेंगे, और फिर हम अपना आगे प्रोसीड करेंगे। सो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।